अब लग रही ट्विंकल तनेजा। चलो दोस्त दोस्त, हैप्पी न्यू ईयर। ट्विंकी ट्विंकी, तू तुझे भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्त तू कहाँ पे था? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ यार, कहाँ पे था मेरे दोस्त? दोस्त अब बस भी कर दोस्त, बंद कर तेरा ये नाटक। नाटक ट्विंकी क्या बोल रहे दोस्त? कौन सा नाटक, कैसा नाटक, मुझे बता कैसा नाटक। बहुत हो गई तेरी एक्टिंग समझा, क्या लगा तुझे सबको बेवकूफ बनाते रहेगा और सब बेवकूफ बनते जाएंगे, कब तक? आज तुझे मैं एक्सपोज करूंगा सबके सामने। एक्सपोज? ट्विंकी ये दोस्त क्या कह रहे, पागल हो गया क्या दोस्त? किसे एक्सपोज करेगा? हाथ कैसे लगाया तूने मेरी बीवी को? दोबारा मेरी बीवी को हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा समझा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। याद आया? हाँ दोस्त याद आया तुझे? मुझे पता था बहुत जल्द मेरा सच सामने आने वाला, कुछ मेरी बात, और इसीलिए मैंने वो प्लान बनाया तुझे मारने। यूवी अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। यूवी ने बोला था ना रात को 12 बजे 31 दिसंबर को कुंज मरेगा, और वैसे ही हो रहा है। कुंज मर रहा है। हाँ ट्विंकी कुंज मरने वाला है। अब तो उसे भूल जा और आजा मेरे को, लगा ले मेरे नाम का सिंदूर, क्योंकि आई लाइक रेड, यू नो ट्विंकी रेड फेवरेट कलर है यूवी का, यू नो। आजा आजा ट्विंकी, लगा। कोई नहीं है ट्विंकल, कोई नहीं है, सब जश्न मनाने गए हुए हैं। ट्विंकी मेरी बात मान, मेरे पास आ, हम दोनों शादी कर लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी है ट्विंकल और किसी की नहीं, भूल जा इसको। छोड़ दे, मैं तुझे तेरे घटिया इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कुछ को कुछ नहीं हो सकता। कुछ उठो, कुछ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। कुछ उठो, कुछ कोई फायदा नहीं ट्विंकल, मेरी बात मान, कुछ को बाय बाय बोल और चल मेरे साथ, चल हम चल के शादी कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है ट्विंकल, अभी इधर दे। यूवी प्लीज, अभी मुझे कुछ को हॉस्पिटल ले जाने दे प्लीज। कुछ हम हॉस्पिटल जाएंगे तो ठीक हो जाओगे, कुछ प्लीज प्लीज। यूवी यूवी मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ यूवी, प्लीज प्लीज, तू जैसा बोलेगा ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मुझे अभी कुछ को हॉस्पिटल ले जाने दे प्लीज यूवी। यार ट्विंकी तू भी ना 80s की हीरोइन की तरह बात करती है मुझसे, भूल जा उसे, वो मरने वाला है, अब कोई डॉक्टर उसे बचा नहीं सकता। बेबी से भूल जा, चल मेरे साथ, चल। यूवी मैं तेरे हाथ जोड़, यूवी आई प्रॉमिस, यूवी जो तू बोलेगा मैं वो करूंगी। एक बार मुझे तो हॉस्पिटल ले जाने दे प्लीज प्लीज यूवी, आई स्वेयर आई प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? जो बोलूंगा वो करी, प्लीज मुझे किसी को हॉस्पिटल ले जाने दे। तो चल मेरे साथ, चल।
बाबा जी प्लीज मेरे कुंज को बचा लीजिए। बाबा जी अगर कुंज को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बाबा जी कुंज बहुत अच्छा है, हमेशा मेरा साथ दिया। बाबा जी प्लीज उसको बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। कुंज की हालत बहुत सीरियस है, डॉक्टर इतनी कोशिश कर रहे हैं उसे होश में लाने की बट उसे होश नहीं आ रहा। बेबी मुझे बहुत डर लग रहा है, बेबी कुछ ठीक हो जाएगा ना? अगर तू ऐसे रोएगी तो काम कैसे चलेगा? ठीक हो जाएगा वो। लेकिन टिंकल ये सब हुआ कैसे? यूवी का प्लान खुद को चॉकलेट में जहर लगाके खिला के मारने का था, उसने उसको जहर वाली चॉकलेट खिला दी। उसके पास मुझे मंदिर ले जाके जबरदस्ती शादी करना चाहता था बेबे। मैंने बड़ी मुश्किल से यूवी से पीछा छुड़ाया और कुछ को सीधा हॉस्पिटल ले आई। वाहेगुरु सब ठीक कर देगी, तू देखना कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास है। कुंज कैसा है? कुंज को होश आया डॉक्टर साहब? डोंट वरी, कुंज अब खतरे से बाहर है और आपने अपने पति की जान बचा ली। आप अगर सही वक्त पे कुंज को हॉस्पिटल नहीं लाई होती तो फिर थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन कुंज बहुत कमजोर है, मैंने सारा जहर निकाल दिया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ज्यादा स्ट्रेस मत देना उनको। डॉक्टर साहब मैं कुंज से मिल सकती हूँ प्लीज? हाँ ऑफ कोर्स, जाओ जल्दी जाओ। अब कैसा फील कर रहे हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, अब इसे जल्दी से पियो और ठीक हो जाओ। ओके ये लो। रख दो, मैं पी लूंगा। अगर मैं पिलाऊं तो क्या प्रॉब्लम है? ट्विंकल सूप ही तो है, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, पी लूंगा। बच्चे नहीं हो तो फिर बच्चों जैसे जिद क्यों कर रहे हो? अपना मुंह खोलो और चुपचाप ये सूप पियो गुड बॉय की तरह। सब जानते हो मैं तेरा प्लान, जान बूझ कर सूप पिलाते पिलाते तुम उन पर सूप गिरा देगी, फिर बीमार आदमी को बोलेगी ठंड में फिर से जाके नहाओ। ट्विंकल तू रो क्यों रही है? अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस। अच्छा तू पिला दे सूप, अच्छा गिरा भी दे, अच्छा नहाने भी चले जाऊंगा खुश। I'm sorry. सूप पिलाने के लिए सॉरी? तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, यू भी तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा है मेरी वजह से कर रहा है। मैं भी लगता होगा ना जबसे मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ तुम्हारी लाइफ कैसे परेशानियों से घिर गई है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता तो आज ये सब नहीं होता। रोना बंद कर, दुनिया का आठवां अजूबा है तू, पता है तुझे? भगवान की बनाई एक लौती ट्विंकल तनेजा सरना। ट्विंकल आज मैं जिंदा हूं तो तेरी वजह से, मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल मुझे पता है मेरी वजह से हो रहा है। तू एक काम कर, तू रो ले, मैं खुद सूप पी लेता हूँ। पिलाती हूँ ना? नहीं नहीं तू रो ले, मैं पीलू। हम बीवियाँ ना बहुत स्मार्ट होती है, हम एक साथ दो दो काम कर लेती है, दो दो नहीं बहुत सारे काम साथ में कर लेती है। अब अच्छा हस्ती राकर अच्छी लगती तेरी हंसी बरकरार रखने के लिए ना उस यूवी को ढूंढना बहुत जरूरी। जब तक उसको उसके किए की सजा नहीं मिल जाती ना चुप नहीं बैठो, कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।